आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ वो अपने मूल बिंदु से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहती है। सोचो यदि नदी ने बीच में ही बहना छोड़ दिया तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज की दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं, टूट जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते रह जाते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना कर सकते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है और जो रुकते नहीं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आपने गोल को प्राप्त करना चाहते हो तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी असफलता कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि असफलता व सफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका दिल सबसे बड़ा दोस्त है आपका। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आँख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें।